गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। सब्जेक्ट है आपका SS3, दैट इज सोशल साइंस ज्योग्राफी। क्लास है आपकी 7th और आज डेट है 12 अक्टूबर। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि वो एनवायरनमेंट जो इंसान ने बनाया है। जैसे कि नेचर ने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है, एयर, वाटर, वेजिटेशन, सोयल, ठीक है, हवा, पानी और जो पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियाँ हैं, मिट्टी है, ये सब हमें किसने प्रोवाइड करवाया है, नेचर ने। अब ह्यूमन क्या करता है, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके अपने आइडिया और नॉलेज को अप्लाई करके क्या बना लेता है, एक ऐसा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बना लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ओके, मैनी टाइम्स, बहुत बार जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, वुड से क्या बनाया, फर्नीचर बनाया। ओके, ब्रिक्स किससे बनी, पहले तो मिट्टी से क्या बनाई, मिट्टी से क्या बनाई, ईंटें बनाई, ठीक है, ईंटें बनाई और फिर ईंटों से घर बनाया। मेटल जो धातु होती है, जैसे कि लोहा, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों से क्या किया, व्हीकल्स, यूटेंसिल बनाए। ओके बच्चों, तो लेकिन कई बार जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है वो हमारे जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको पोल्यूट कर देता है, गंदा कर देता है। जैसे कि स्मोक हो गया जो व्हीकल्स में से निकलता है, इंडस्ट्री में से जो एयर को पोल्यूट करते हैं, जो पोल्यूटेंट होते हैं। एक परफेक्ट बैलेंस जो होता है वो नेसेसरी होता है, किस लिए, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन हार्मोनियसली। आदमी को क्या सीखना चाहिए, अपना सीखना चाहिए क्या, यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे, अपने एनवायरनमेंट को यूज़ करना बहुत ही बैलेंस तरीके से, कि भाई हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ भी कर लें और अपने एनवायरनमेंट को गंदा भी ना करें, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये पार्क है, किसने बनाया, ये रोड है, ये ब्रिज है, ये बिल्डिंग्स हैं, ये सारी की सारी ह्यूमन ने बनाई। ओके, नाउ व्हाई डज मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट, to satisfy his needs he modify the environment, right? From your surrounding list those substances which pose the threat to our environment, in substance में से आपको क्या करना है, वो substance क्या करने हैं, लिखने हैं जो environment के लिए खतरा है। तो चलिए देखते हैं questions answer। Imagine and write what would happen। क्या question है हमारा पहला, why does man modify his environment, जो man है वो अपने environment को किस तरीके से modify करता है। Man modify his environment to meet his growing needs and to live a comfortable life। हम लोग AC, car, bikes, rail, airplanes, ये सब किस लिए बनाते हैं, ताकि हम एक comfortable life जी सकें और हमारी जो ज़रूरतें वो पूरी हो सकें। From your surrounding list those substances which pose the threat to our environment, यानी कि जो हमारे environment के लिए क्या है, खतरनाक हैं, polluted water, smoke, टॉक्सिक गैसेस, एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, ठीक है, लाउड हॉर्न्स, फर्टिलाइजर्स, फ्रिज एंड एसी, ये सब जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके बच्चा, तो चलिए अब देखते हैं, फिल द टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ योर सराउंडिंग। आपको क्या करना है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में से आपको लिखना है जो जो चीज़ें आपकी सराउंडिंग में, लाइक यहाँ पर आप लिख सकते हैं कार के साथ, आप लिख सकते हैं चेयर लिख सकते हैं, ठीक है, यूटेंसिल लिख सकते हो, ठीक है, आपका पेन लिख सकते हो, आप पेंसिल लिख सकते हो, ठीक है, कॉपी लिख सकते हो, ठीक है, बिल्डिंग्स लिख सकते हो। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट में से आप क्या क्या लिख सकते हैं, रिवर है, माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, है ना, और ओशियंस हैं, सी है, और क्या क्या है, तो इसी तरीके से हम ये सारी चीज़ें लिख देंगे। तो ये आपका नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया जो हमें नेचर ने दिया है, और ये हमारा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हो गया। अब बात करते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब, वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आपको अपने हाथों को बार बार धोते रहना है रेगुलरली। ओके बच्चा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलो बच्चों, अब हम कर लेते हैं अपना आज का टारगेट सेट। ओके, तो आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, क्यों, क्योंकि हमें 100 के सब्सक्राइबर पहुंचाने हैं अपने इस मंथ के लास्ट तक, तो आप लोग इसको शेयर करेंगे तभी वो पहुंच पाएंगे। दूसरा टारगेट, इस वीडियो को आप 300 लाइक्स तक पहुंचाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।